लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। अब पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर लोग वोट कर रहे हैं। वहीं बिहार में पहले चरण में 4 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है। इस बीच मतदान करते हुए महाबोधि मंदिर के मुख्य भिक्षु से हमारी टीम ने बातचीत की। उन्होंने कहा कि वोट देने का अधिकार सबको बराबर है और भारत के लोगों को वोट देना जरूरी है। बता दें कि उनके साथ महाबोधि मंदिर के और भी कई भिक्षु वोट डालने पहुंचे। आगे इस वीडियो में सुने कि उन्होंने और क्या कुछ कहा है। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर दीनानंद। पहली बार वोट दे रहे हैं या पहले भी वोट दिया? पहले भी वोट दिया हूँ। आप बौद्ध भिक्षु हैं, दूसरे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे वोट देने के लिए? ये तो हमारे लोकतंत्र का है वोटिंग, तो ये सबको अधिकार है, हमारे देश का अधिकार है और ये सबको देना चाहिए अपना अधिकार। लोकसभा का ये चुनाव है जिससे हमारे क्षेत्र में जो भी एमपी सांसद बन के आएंगे वो हमारे क्षेत्र का कल्याणकारी काम करेंगे। महाबोधि मंदिर से आपका? मैं महाबोधि महाविहार का केयर टेकर भिक्खू डॉक्टर दीनानंद जी। आप वोट देने आए थे? हाँ, वोट दिया है अभी। अपना परिचय बताएं। मेरा नाम भिक्षु चलिंदा है, मैं महाबोधि महाविहार का प्रभारी हूँ। कितने वर्षों से वोट दे रहे हैं आप? हम दे रहे हैं जब से यहाँ में हैं। लगभग कितने साल हो गए? अभी लगभग 23 साल हो गए। वोट देना क्यों जरूरी है दूसरे लोगों के लिए? जरूरी है क्योंकि भारतवर्ष का नागरिक होने का नाते वोट देने का अधिकार सबका होता है, तो वोट तो देना ही पड़ेगा। नाम फिर से बताएंगे? भिक्षु चलिंदा। मुख्य पुजारी है? मुख्य पुजारी। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।